हेलो फ्रेंड्स, आज मेरी ब्लैक चीता इसकी पहली ट्रिप वाली सर्विस के लिए हम लोग जा रहे हैं। फरीदाबाद के अंदर यूनाइटेड करके है सर्विस स्टेशन, तो वहाँ हम लेके जाएंगे इसको। अभी तक मेरी गाड़ी है ये चल चुकी है अराउंड 9,800 किलोमीटर, एग्जैक्टली है 9,860 किलोमीटर, और इसकी पहली 10,000 किलोमीटर वाली सर्विस है। देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है, क्या क्या खर्चा आता है, कितना खर्चा आता है। ऑल दो फ्री सर्विस है, क्या फ्री सर्विस बिल्कुल फ्री रहती है या कुछ पे करना पड़ेगा, कैसा रहेगा एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगा। एक दो छोटी छोटी प्रॉब्लम है वो शेयर कर देता हूँ। लाइन आउट है गाड़ी, लेफ्ट में गाड़ी जाती है। एक दो बार बाहर ट्राई किया लाइन आउट कर लाइन ठीक करवाने के लिए, अलाइनमेंट के लिए, बट हो नहीं पाया। देखते हैं कैसे रहता है। और एक आपको पता ही होगा कि मेरी गाड़ी के अंदर स्टार्टिंग से ही एक प्रॉब्लम थी, जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था वो मैंने ठीक करवाया था, बट होल्ड हल्की हल्की अभी दोबारा से उसमें साउंड सी आने लगी है सस्पेंशन के अंदर से, स्टीयरिंग के अंदर। स्टीयरिंग का था ऑल्दो वो जिसके अंदर साउंड थी, सस्पेंशन वाइब्रेशन थी, तो दोबारा आने लगी है। देखते हैं सर्विस सेंटर वाले क्या कहते हैं, जो भी एक्सपीरियंस होगा आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा मैं। तो अभी चलते हैं सर्विस सेंटर के लिए। अलर्ट हिस्ट्री के अंदर ये मेरा शेड्यूल्ड मेंटेनेंस है वो दिखा रहा है। ये जब भी आता है 200 किलोमीटर पहले दिखाना स्टार्ट कर देते हैं कि आपकी सर्विस ड्यू है, तो आज हम सर्विस के लिए जा रहे हैं। ऑल दो इसके अंदर जो अभी तक डी एफ का जो है यूज़ वो अप्रोक्स 50% हुआ है। बीच में मैंने एक बार टॉपअप करवा लिया था, तो देखते हैं अभी वो और कितना टॉपअप करेंगे। माइलेज 39% है अभी DF, और माइलेज मेरी जो दे रही है ये 12 की दी है अभी तक इसने। मेजर सर्विस अभी हुई नहीं, एक माइनर सर्विस हुई थी जो फर्स्ट वाली होती है 1000 किलोमीटर के ऊपर, तो उसके बाद ये पहली सर्विस है मेरी। अच्छा एक बात और दोस्तों, इस गाड़ी को मैंने 2 या 3 बार बहुत लंबे रन पे लेके गया हूँ, जहाँ पे एक बार मैं फरीदाबाद से धर्मशाला डायरेक्ट नॉन स्टॉप, और एक बार गुड़गांव से जैसलमेर जो अभी रिसेंटली मैं गया था अभी। तो गाड़ी का जो ड्राइव है, आप गाड़ी को चलाते हो तो बहुत अल्टीमेट मज़ा देती है, बहुत स्मूथ गाड़ी चलती है, कोई थकान नहीं होती है आपकी आपको गाड़ी के अंदर। आप गाड़ी को बड़े अच्छे से ड्राइव करते हो और इंजॉय करते हो। सेकंड, बस मेरे साथ में एक दो गाड़ी में दिक्कत आई थी, वो दिक्कत मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था, और एक ये पता नहीं जो लाइन आउट वाला इशू है, गाड़ी हमेशा थोड़ी चलाती है लेफ्ट साइड को चली जाती है, वो सोल्व नहीं हो पा रहा है। देखो गाड़ी है लेफ्ट साइड में जाती जा रही है। 2-3 बार मैंने ट्राई कर लिया बट सोल्व हो नहीं पा रहा, क्या दिक्कत है। बट इसके अलावा जो गाड़ी का फील है, चलाने का मज़ा है, वो अल्टीमेट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। परफॉर्मेंस अच्छी है, माइलेज जो लोग बताते हैं उतनी दे नहीं रही, मेरी गाड़ी तो 12 की दे रही है। अभी पहली सर्विस मेजर वाली जो मेन 10,000 वाली अभी पहली होगी, उसके बाद देखते हैं कितनी माइलेज देती है। अदरवाइज काफ़ी कई लोग बोलते हैं कि लॉन्ग पर ये 15 की 16 की कोई 18 की क्लेम करता है, बट मेरी गाड़ी ने कभी इतनी दी नहीं। सम हाउ एक बार 15 की पहुँची थी, बट वो भी बहुत ज़्यादा सस्टेन नहीं रह पाती। इवन हाईवे पे तो वैसे भी कम हो जाती है, जैसे आप इसकी स्पीड थोड़ा सा बढ़ाते हो 120 के आसपास गाड़ी चलाते हो तो माइलेज है वो डाउन हो जाती है। और यहाँ से आगे से यू टर्न लेकर के ऑलमोस्ट हम सर्विस स्टेशन है वो पहुँच ही गए हैं। फिर देखते हैं सर्विस करवाते हैं गाड़ी की, फिर आगे आई थिंक माइलेज कुछ बढ़ना चाहिए। अगर कोई और स्कॉर्पियो जो पहले भाई हैं वो यूज़ करते हैं वो बता सकते हैं कि कितनी माइलेज आएगी सर्विस के बाद, कोई माइलेज में फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, या सेम माइलेज रहती है, कोई डिफरेंस है, क्या कॉस्ट है, DF कौन से वाला डलवाना चाहिए, महिंद्रा का ही डलवाना चाहिए या फिर बाहर से डलवाना चाहिए। वैसे एक बार जैसलमेर से आते हुए DF लेवल की वार्निंग आ गई थी, तो मैंने 5 लीटर बाहर से डलवाया था, अब तो कोई इशू वगैरह तो कोई आया नहीं है। बट काफ़ी सारे मैंने जो ब्लॉग और जो देखे हैं वो लोग यही कहते हैं कि महिंद्रा से ही डलवाना चाहिए। ये ऑलमोस्ट हम पहुंच गए हैं, 100 मीटर दूरी है यहाँ से।
विद्वान हैं, ये जो आ गया, ये गाड़ियाँ जो खड़ी हैं यही है महिंद्रा का सर्विस स्टेशन। देखते हैं भाई कैसे एक्सपीरियंस रहते हैं। हाँ जी सर्विस है, नौ हजार 872 008 हाँ एक नाम सर प्रदीप। हाँ जी अमृता जी गाड़ी लगवाइए सर, पार्किंग में लगाइए। ठीक है ओके तो जी यहाँ गाड़ी लगवा दी है, देखते हैं अब महिंद्रा यूनाइटेड कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो फ्रेंड्स गाड़ी मैंने दे दी है महिंद्रा सर्विस स्टेशन में, जो मैं मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था उसके अंदर एक अपडेट आया हुआ था, वो कह रहे थे कि उस अपडेट को कर देंगे, वो देखते हैं कितना फर्क पड़ता है, क्योंकि 80% प्रॉब्लम पहले सॉल्व हो गई थी स्टेयरिंग के अंदर, बाकी कुछ अभी भी सस्पेंशन में था, इशू था स्टेयरिंग में, सस्पेंशन आता था, तो उसको देखते हैं कितना फर्क पड़ेगा, शाम को गाड़ी लेनी है। लो जी भाई हम लोग वापस आ गए हैं, गाड़ी की सर्विस हो गई है, सर्विस मैनेजर का फ़ोन आया था, पार्ट जो स्टीयरिंग में इशू था वो अभी इन्होंने ठीक नहीं किया है, कह रहे हैं उसके लिए कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा, ऊपर इनके जो मेन जो महिंद्रा है वहाँ पे उनको भेजना पड़ेगा एक रिक्वेस्ट, तो वो सस्पेंशन में जो इशू है उसको ठीक करेंगे, बाकी देखते हैं अभी कितना बिल आता है, क्या क्या किया है क्या नहीं। तो फ्रेंड्स गाड़ी सर्विस के बाद में मिल गई है, टोटल फ्री सर्विस के अंदर जो बिल बैठा है वो है 8,329 रुपए का इंक्लूडिंग GST, जिसके अंदर DF वगैरह भी उन्होंने 12 लीटर डाला है, इंजन ऑयल फिल्टर ईच एंड एवरीथिंग जो है कंप्लीट है विद वॉशिंग के साथ में, वॉशिंग तो दो फ्री होता है इसके अंदर। गाड़ी बिल्कुल मक्खन मलाई, स्टेयरिंग का बैलेंसिंग का इशू था फिक्स हो गया है, अब देखना ये है कि जो मेरा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था उसमें उन्होंने पहले तो यही बोला था कि हम कर देंगे, बट अब कह रहे हैं कि महिंद्रा ने बोला कि आप हमें केस बना के भेजो और फिर हम चेक करेंगे कि क्या इशू है और उसको देखेंगे, ऑल्दो मेरा ऑलरेडी एक बार पार्ट चेंज हो चुका है तो इशू आना नहीं चाहिए, नहीं तो भाई आपको पता ही है दोबारा से फिर वही मेल लिखो महिंद्रा को, ट्विटर पे लिखो, तब जा कर के रिस्पॉन्स आता है, काफ़ी कुछ लास्ट टाइम काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी तब जा कर के पार्ट चेंज हुआ था, पर यह कि 70-80% मेरी स्टेयरिंग में जो साउंड थी रैक पिनियन उन्होंने चेंज कर दिया था, तो उसके बाद में सॉल्व हो गई थी, अभी 10-15% के आसपास अभी भी हल्की हल्की आवाज़ आती।